पितृदोष के चार लक्षण बड़े होते हैं। पहला, घर में एक ना एक बीमार पड़ा रहता है, एक ठीक होगा एक बीमार होगा, एक ठीक होगा एक बीमार होगा, ये पितृदोष का लक्षण। दूसरा, एक रुपए कमाया सवा रुपए खर्च हो रहा है, कहीं ना कहीं पैसा आके रखाता है और दो तीन दिन में पैसा चले जाता है, साथ में रखा हुआ भी धन जा रहा है, पितृदोष का लक्षण। तीसरा, घर में जितने सदस्य हैं आपस में किसी ना किसी बात के पीछे उनमें क्लेश बना रहता है, मन मोटाव बना रहता है, थोड़ी थोड़ी बात में कुछ ना कुछ क्लेश हो जाता है। पांचवा, घर के बच्चे चिड़चिड़ प्रवृत्ति के होते जा रहे हैं, तो ये चार लक्षण पितृदोष के बताए हैं। इन पितृदोष का निवारण आप गया जी चले जाए, ब्रह्म कपाली करा लें, या तर्पण दे दें, या पिंड दे दें, उससे अधिक फल शिव महापुराण की कथा कहती है, आप शंकर भगवान के मंदिर में जब एक लोटा जल लेकर जाते हैं, शिव जी को एक लोटा जल जब समर्पित करते हैं, तो उस जल को धीरे धीरे 27 बार आप पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अपने पूर्वजों का स्मरण कर जो 16 दिन उस एक ही कलश, बार बार 27 बार कलश नहीं भरना है, जो लोटा भरकर लेकर गए हो, कलश भरकर लेकर गए हो, उसी को 27 बार आपको केवल शिव जी पर गिराना है। जो 27 बार जल एक ही कलश का समर्पित कर देता है, उसके पूर्वजों को तुरंत मुक्ति फल प्राप्त हो जाता है, उसको फिर तर्पण आदि आदि की जरूरत नहीं पड़ती। जल तो रोज चढ़ाते हो ना आप लोग, रोज जाते हो ना, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। आप अगर शिव जी के मंदिर रोज जा रहे हो, शंकर जी के मंदिर रोज जा रहे हो, प्रतिदिन जल चढ़ाने जा रहे हो, तो थोड़ा सा नियम चेंज करेंगे अपन। 16 दिन अगर हम शंकर भगवान को जल चढ़ा रहे हैं, आप कहेंगे गुरु जी अभी तो हमारे दो तीन दिन निकल गए, कोई बात नहीं, जब जागे तब सवेरा। कोई जरूरी है कि वो पीछे के दो तीन दिन निकल गए तो हम कैसे नहीं, आप कल से प्रारंभ कर दो कि शिवजी के मंदिर में जब जल चढ़ाने जाओ तो जल को 27 बार धीरे धीरे कर चढ़ाना प्रारंभ करिए। 16 श्राद्ध पूरे होंगे, नवरात्रि आएगी, दीपावली आएगी, और नवरात्रि से और दिवाली के बीच में आपको खुद ये फल प्राप्त हो जाएगा कि आपने 27 बार जो जल चढ़ाया है उसका फल मिला कि नहीं मिला, आपको मिला कि नहीं मिला, घर में शांति हुई कि नहीं हुई, घर में आनंद आया कि नहीं आया, संपदा बढ़ी कि नहीं बढ़ी, वैभव आया कि नहीं आया। केवल 16 दिन पूर्ण हुए, नवरात्रे और दिवाली के बीच का समय आप अंदाजा लगाकर बैठ गए। करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।